आरती आरती हाँ कहाँ हो तुम? आ रही हूँ जी। वो मेरा बैग प्लीज दे दो। आरती पता नहीं ये लेडीज क्या करती है। ओके ये लीजिए आपका बैग। ओके थैंक यू मैडम। क्या बात है, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? नहीं मूड ऑफ नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मेरी शाम की फ्लाइट है तो मुझे जाना होगा। ठीक है तो शाम की है तो अभी क्यों जा रहे हो आप, शाम को जाना ना। अरे बाबा ऑफिस में कुछ छोटा मोटा काम है उससे निपटा के चला जाऊंगा। अच्छा तो आपको पता है ना मुझे अकेले मन नहीं लगता घर में, मैं क्या करूंगी। आई नो माय डियर, मैंने इंतजाम कर दिया। मेरा भांजा वहां से मेरठ से आ रहा है। अच्छा जी, और वो शाम तक पहुंच जाएगा मेरी फ्लाइट पकड़ने से पहले, और जब तक मैं ऑफिस में हूँ अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझे बता देना, वरना वो 5 बजे तक आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है अच्छा ठीक है, मतलब अपना टाइम से खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना। तुमने खिला खिला के कितना तो मुझे मोटा करती है। कोई बात नहीं, मोटे मोटे हो कैसे भी हो, देखना है तो मुझे ही है ना, कोई दूसरी दूसरी थोड़ा ना देखेगी। अरे बाबा मैं खाने का ध्यान रखूंगा बस। ठीक है अपना ख्याल रखना। ओके और तुम्हारे लिए कुछ लाऊं मैं? जो आपकी मर्जी हो वो ले आना। चलो तुम्हारे लिए अच्छी सी साड़ी ले। बाय। अब तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है बाय। और हाँ आशीष आ जाएगा 5 बजे तक, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। और मैं ऑफिस में ही हूँ, 6 बजे की मेरी फ्लाइट है, तो जो अगर बीच बीच तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। ओके बाय। और तुम भी अपना ध्यान रखना। ओके बाय स्वीट आर। अब ये तो चले गए 10 दिन के लिए और मैं अकेली घर में क्या करूँगी, और इनका भांजा भी है बोरिंग सा, वो क्या करेगा। चलो कोई बात नहीं, काम भी तो जरूरी है ना करना। एक काम करती हूँ मैं ना, घर का काम कर लेती हूँ। काम करती हूँ आराम कर लेती हूँ, और वैसे भी उनका भांजा तो 5 बजे आने वाला है, अभी तो काफी टाइम है, आराम कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने मामा जी से बोला था कि 5 बजे आऊँगा, मैं तो आज 1 ही बजे आ गया। चलो अच्छा हुआ आज मैं अचानक पहुँचता हूँ और मामा को चौंकाता हूँ। नमस्ते मामी जी। नमस्ते। अरे तुम? हाँ मामा बताए होंगे ना, मामा तुम तो 5 बजे आने वाले थे, अभी तो 1 बजा है। कोई नहीं भाई, अब आ गए तो क्या आपको क्या खुशी नहीं हुई क्या? हुई बट अभी तो 1 बजा है ना, तुम तो 5 बजे आने वाले थे। हाँ तो क्या करें, ट्रेन जल्दी आ रही टाइम से। चलो आओ। मैं तो आपको सरप्राइज देने आया था, अचानक पहुँचते हैं देखता हूँ मामी जी क्या कर रही है। अच्छा बहुत सरप्राइज देने लगे हो आजकल, क्या बात है बड़े हो गए हो। मामा जी गए? हाँ वो तो गए। तुम तो बोले थे शाम को मेरा फ्लाइट है। नहीं कुछ ऑफिस का काम भी था ना उनको निपटाना था, तो इसीलिए वो चले गए। अच्छा तो अभी लग रहा सो रहे थे आप। हाँ लेटी हुई थी, थोड़ा काम करी थी ना तो थक गई थी। वो तो आपकी आंखें बता रही थी। तो पानी वानी लेके आती हूँ मैं। हाँ पानी पिला दीजिए क्योंकि इतनी गर्मी है ना,
कि प्यास तो बहुत लगा। ठीक है यहाँ पे बैठ जाओ, मैं लेके आती हूँ। ठीक ठीक। क्या बात है, मामी तो घर बड़ी हॉट लग रही है, चांस मार के देखता हूँ, अगर मामला सेट हो जाएगा ना तो। मामा तो गए हैं 8 दिन के लिए, 8वां दिन हमारा मस्ती में कटेगा, दिन रात मामी के साथ लगा रहूँगा। चलो कोई नहीं, देखता हूँ। वैसे इनका भांजा ना काफ़ी स्मार्ट हो गया और काफ़ी बड़ा भी हो गया है, मुझे क्या करना है, देखती हूँ। रह गई पानी लेने गई, एक तो ऐसे सफ़र में हालत ख़राब हो गया है, पूरा शरीर टूट रहा है। ये लो पानी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत थक गया मामी जी। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं। चलो मैं खाना लगा। भूख तो बहुत तगड़ी लगी है, भूख के मारे तो पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। चलो फिर आ जाओ। ठीक है खाना लगाइए, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ मैं भी। वैसे मामी जी खाना आप बहुत अच्छी बात अच्छा बनाती हैं। थैंक यू। मजा आ गया खाने में। चलो अच्छी बात है, तुम्हें तो पसंद आया ना खाना। क्यों, मामा जी पसंद नहीं करते? नहीं, वो भी बहुत पसंद करते हैं। तो जब उनकी पसंद है, इतनी खूबसूरत है, तो फिर खाना क्यों नहीं बनेगा भाई। बिल्कुल। और बताइए। और सब ठीक है? मामा जी तो चले गए उधर, तो फिर टाइम कैसे कटेगा? जैसे कटता है वैसे ही कटेगा, किसी के जाने के बाद, मतलब टाइम तो वैसे ही कटता है। ये तो बात है। वैसे ना रात को मैं ना बोर हो जाऊंगी। क्या बात कर रहे हो, अरे भांजा किस दिन काम आएगा, आपको हम बोर होने ही नहीं देंगे। मतलब मतलब और क्या, मस्ती करेंगे मामी भांजे दोनों मिलके, गप सप करेंगे, मस्ती करेंगे। अच्छा, बातें करेंगे और क्या। हाँ तो करेंगे, वो तो है। और खैर मामी के ऊपर तो वैसे भी भांजे का पूरा हक होता है। मतलब भाई मामी और भांजे में तो हंसी मजाक तो चलता ही है ना। तो हंसी मजाक तो चलता ही है, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल ही है। खैर ये देख रहा हूँ कि मामा आपको ज्यादा मतलब ध्यान देते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। चलो एक बात बताया ना। बताओ। खैर आप बहुत अच्छी लगती है, मैंने आज तक इतने दिनों से गौर नहीं किया था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आप काफी हॉट भी हो और काफी सुंदर भी लग रही है। मतलब पहले नहीं देखा, आप देख रहे हो? पहले इतना गौर से गौर नहीं किया था ना। तो अब क्यों कर रहे हो? खैर अब थोड़ा ज्यादा करीब आ गए इसीलिए। अब तुम भी जवान हो गए इसलिए। अब कुछ ऐसा ही समझ लो। तो क्या इरादा है तुम्हारा? हमारा इरादा तो बहुत कुछ है। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब क्या, आदमी इशारा की बात इशारा में समझ जाए तो अच्छी बात। मैं नहीं समझती किसी का इशारा। अब इतनी भी तो नादान नहीं है आप। क्या कर रहे हो तुम? क्यों, क्या है ये, टच वच क्यों कर रहे हो मुझे? मामी को तो टच कर ही सकते हो। नहीं, क्योंकि मामी भांजे में तो दूर से मजाक करो ठीक है, बट ऐसे नहीं। ऐसे नहीं मजाक करो, ऐसे मजा नहीं आएगा ना। फिर तुम पागल हो। पागल होने क्या बात है, इसमें पागल होने वाली क्या बात है। देखिए मेरी बात सुनिए, इधर इतना हिचकिचाए क्यों रहे हो? हमारे कहने का मतलब ये है कि 10 दिन के लिए मामा नहीं है, ठीक है? 10 दिन के लिए मामा नहीं है तो मैं ये सोच रहा था। क्या? मैं ये सोच रहा था कि जो मामा की कमी मैं पूरा कर देता हूँ। कैसी बकवास बातें कर रहे हैं? इसमें हमारे कहना किसी को पता नहीं चलेगा। क्या हुआ मामी, उनको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? और एक फुल एंजॉय देंगे आपको, खुश करके, एकदम खुश कर देंगे। पागल हूँ?
अब चाहे पागल समझ लो, लेकिन क्या करूँ, जब से मैं देखा हूँ ना आपको, मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखों में ना कुछ शरारतें कुछ अलग से दिख रही है आपकी। और कहते हैं लड़की और लड़कियाँ जो होती है ना, तो ना ना करती रहे, लेकिन उनके ना में भी हाँ होता है। अच्छा। और हाँ उनकी आंखें बता देती है, जैसे आपकी आँखें। अच्छा, मेरी आँखें क्या बता रही है तुम्हें? मुझे पता है कि मेरे आपकी आँखें बता रही है कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको भी सही लग रहा है, लेकिन बस मुंह से बोल रही है। ठीक है, इसीलिए मैं और कर रहा हूँ। ठीक है, क्या इरादा बताओ? 10 दिन एकदम फुल इंजॉय और फुल मस्ती। ये क्या है, ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? चलो ठीक है, तुम कह रहे हो, चलो ठीक, लेकिन मामा से भी मत बताना कि बात केवल हमारे और तुम्हारे। मैं पागल थोड़ी ना हूँ। ठीक है चलो, मुझे तो पता भी नहीं था कि मामी हमारी इतनी मस्त है। मामी, आपका बेड तो बहुत अच्छा है। तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है मेरा? आप भी जितनी खूबसूरत आप है उतनी अच्छी आपकी बेड भी है। और ऐसे कौन सही है? ये क्या खेल रहे हो? ये बताओ, भांजा मामी के साथ नहीं खेलेगा तो किसके साथ खेलेगा? आप तो इतना शर्मा रही, मामा के सामने भी ऐसे शर्माते हैं क्या? नहीं, हमें तो लग रहा है मामा के सामने भी ऐसे शर्माते हैं। नहीं, बस तो जो मामा के साथ सम्मान, जब मामा के सामने नहीं शर्माते हैं तो हमारे सामने क्यों शर्माएंगे? आ जाओ ना मामी, अब बर्दाश्त नहीं होता। क्यूटी मैडम, सर वो फाइल मंगा रहे। अरे आप लोग, आपके लिए क्या? ये क्या मतलब, किसी के रूम में ऐसे आ जाते हैं? तमीज नाम की कोई चीज है? अरे मुझे फाइल दिए सर, मंगा रहे हो कुछ नहीं। कौन है? अब आप अपने भांजे के साथ ऐसे भी कर रहे हो? ऐसे कुछ नहीं कर रहे थे हम, बस लेट के बातें कर रहे थे। आपको शर्म नहीं आती आप अपने भांजे के साथ ऐसे काम करते हो? अपने काम से मतलब रख, तुमने हमारे मामी भांजे हमारे फैमिली मैटर में तुम बोल रहे हो? आप दोनों लेटे हुए थे, ऐसी अवस्था में थे ना, मैं आपको सब बता दूंगा आज। ठीक है, क्या बताऊंगा? क्या बताया तू? यही बताऊंगा कि आपके भांजा है ना, मुझे पता। मेरी बात सुन, कुछ नहीं कर रहे थे सर, लेटे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। साहब ने मुझको बोला था कि मेरा भांजा वहाँ होगा, उससे भी मिल लेना। तुम लोग ऐसे काम करते हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या काम कर रहे थे हम? तूने क्यों देखा? तूने ये छोड़ो और ना, तमीज में हम सर पे चढ़ा यार, फैमिली है हमारी, हम कुछ भी करें तो तुझे उससे क्या? ठीक है, तेरा करो करो, मैं तेरा ना मुंह तोड़ दूंगी मैं अगर दोबारा बोला तो। मैं साहब को सब बता दूंगा। सर सर क्या बताएगा भाई? तू क्या बताएगा? मां क्यों रे, क्या बताएगा? क्या बताएगा सर? छोड़ो मुझे, छोड़ो, बताएगा, छोड़ो, मार इसको, छोड़ो, बताएगा, छोड़ो मुझे, क्या बताएगा? अरे जब जाएगा निकल गई घर में, बता दिया। ईमानदारी ना भूत चढ़ा था इसको, बहुत ज्यादा ही ईमानदार बन रहा था। बन गया ना, ऊपर ईमानदारी दिखाता रही। इसको कर, इसको ठिकाने लगा देता हूँ। ठीक है, तू कॉल आ रहा है? किसका? तेरे मामा का कॉल। उठा उठा। हेलो हेलो आरती। क्या चल रहा है वहां पर? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ज्यादा बोली मत बोलो, मुझे सब मालूम है वहां पर क्या चल रहा है। क्या मालूम है? इतनी ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो आरती। क्या? जो मेरे भांजे के साथ कर रही है ना, वो अनुज ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और फोन पे मैं सब कुछ तुम्हारी गंदी हरकतों की आवाजें और वो बुरी बुरी आवाजें मैं सुन रहा, समझी तुम? सुनो, अब तुम मेरे लायक नहीं, और तुम्हारा आज अभी इसी वक्त मैं तुम्हें नोटिस भेज रहा हूं। मेरी बात मुझे कुछ नहीं सुननी है तुम्हारी बात, मैं तुम्हें अभी नोटिस भेजता हूँ। ठीक है, मेरा वकील तुमसे बात करेगा, समझी? अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग मैं पुलिस को फॉरवर्ड कर दूंगा। अरे सुनो तो, आप ऐसा कुछ मत करना प्लीज, मुझे माफ कर दो यार, मैं ऐसा कुछ मत करना, मैं कुछ नहीं करूंगी प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, समझी? मैं अभी जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन और ये सारी रिकॉर्डिंग मैं पुलिस को बताता हूँ। जो तुमने मेरे साथ दगा किया है ना, इसका हश तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बाय। अरे हुआ क्या, बताओगी क्या हुआ?
पहले क्या बात हो गई? तुम्हारे मामू ने सब कुछ सुन लिया। कैसे? वो फोन उसका पहले से लगा के रखा था। क्या बात कर रही हो? हाँ, अब क्या करेंगे? वो पुलिस भेजने वाले हैं। पुलिस? हाँ। क्या काम करते हैं? सुनो मेरे बात, ऐसा करते हैं पुलिस आए इससे पहले हम दोनों निकल जाते कहीं दूसरे जगह और आराम से जिंदगी जिएंगे। छोड़ो, चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं। चलो।